राज्यसभा में कमजोर हुई बीजेपी, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें, कैसे पास होगा राज्यसभा से विधेयक, मोदी शाह की बड़ी टेंशन, अब क्या करेगी बीजेपी। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में तो बीजेपी को झटका लगा ही है। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। अब राज्यसभा से भी पार्टी के लिए अच्छी खबरें नहीं है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का संख्या बल राज्यसभा में भी कम हो गया है। इसकी वजह राज्यसभा के चार मनोनीत सांसद राकेश सिन्हा, राम सकल, सोनल मानसिंह और महेश जेठमलानी रिटायर हो गए हैं। मौजूदा स्थिति की बात करें तो राज्यसभा में अभी भी 226 सांसद हैं, वहीं 19 सीटें अभी भी खाली हैं। संख्या बल के हिसाब से बीजेपी राज्यसभा की सबसे बड़ी पार्टी है, इसके पास कुल 86 सदस्य हैं। तो वहीं एनडीए के संख्या बल की बात करें तो यह संख्या 101 है। ऐसे में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की कुर्सी भी खतरे में है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में राज्यसभा में सीटों के गणित के बारे में। विधेयक पारित कराने में होगी बीजेपी को मुश्किल। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी बीजेपी का संख्या बल कम हो गया है, इसका विधेयक पारित कराने में असर देखने को मिल सकता है। हालांकि राज्यसभा में अभी भी 7 मनोनीत सदस्य मौजूद हैं, यह फिलहाल गुट निरपेक्ष बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 2 सदस्य निर्दलीय भी मौजूद हैं, इनका बीजेपी को पहले भी समर्थन मिला है। वहीं AIADMK और YSRCP को भी बीजेपी का करीबी माना जा रहा है। राज्यसभा में जरूरत पड़ने पर यह सरकार के साथ जा सकते हैं। क्या खतरे में है खड़गे की कुर्सी? बीजेपी की राज्यसभा में सीटें तो कम हुई हैं, इसके साथ साथ कांग्रेस की भी सीटें कम हो रही हैं। मौजूदा समय में कांग्रेस पार्टी के पास राज्यसभा में 26 सीटें हैं। ऐसे में राज्यसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा पाने या बनाए रखने के लिए सदन की कुल स्ट्रेंथ का 10% संख्या बल चाहिए होता है। राज्यसभा में नेता विपक्ष के लिए कम से कम 25 सीटों की जरूरत होती है। फिलहाल कांग्रेस के पास संख्या बल के हिसाब से पर्याप्त नंबर है। हालांकि आने वाले महीनों में राज्यसभा की कुल खाली हो रही 11 में से 8 सीटें संभावित रूप से एनडीए को मिल सकती हैं, जबकि 3 विपक्षी गठबंधन इंडिया के खाते में जा सकती है। राज्यसभा के 12 सांसद होंगे मनोनीत। गौरतलब है कि आने वाले कुछ महीनों में राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा। फिलहाल राज्यसभा में 7 सदस्य मौजूद हैं, वहीं शनिवार को 4 सदस्य रिटायर हुए हैं। आने वाले दिनों में 4 मनोनीत 4 जम्मू कश्मीर से आने वाले हैं, वहीं असम, बिहार और महाराष्ट्र में 2-2, हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा में 1-1 राज्यसभा सांसद चुने जाने हैं। इन चुनावों के बाद सदन की संख्या बल निर्धारित करेगी कि सदन में कौन मजबूत रहेगा और कौन कमजोर। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।